Are you seriously building your future in network marketing? Okay, then life is serious, है ना? कहते हैं don't be serious in life but take life seriously. ऐसा बोलते हैं. Life is serious, future is serious. हम क्या बोलते हैं? या तो जिंदगी है या क्या है? Is it life or death? दो ही बातें हैं ना? या जीवन है या देखो हम लोग यहाँ पर बहुत सीरियस मैटर पर डिस्कस करने आए हैं. हम यहाँ कोई 10 कहानियाँ सुनाने नहीं आए. We are not here to tell the 10 latest jokes and go home, है ना? We are not here to tell some good stories, make you laugh, clapping. No, no, no. We are here to instruct. We are here to grow. कुछ सीखने आए हैं, कुछ बड़ा करने आए हैं, और ये बहुत सीरियस मैटर है यार, है ना? आप जीतते हैं कि हारते हैं, ये सीरियस इशू नहीं है. It's serious whether you win or lose. दोस्तों ये बहुत सीरियस इशू है, आप समझिए. ये बेस्ट टाइम है बहुत लोगों के लिए और यही वर्स्ट टाइम है कुछ लोगों के लिए. सेम फॉर सम पीपल दे आर द बेस्ट ऑफ द टाइम, फॉर सम पीपल दिस इज द वर्स्ट ऑफ द टाइम. इसी एक महीने में कुछ लोगों ने कीर्तिमान बना दिए, कीर्तिमान बना के तोड़ दिए, और इसी एक महीने में कुछ लोग खुद टूट गए. फॉर सम पीपल दिस इज द बेस्ट ऑफ द टाइम, फॉर सम पीपल इज द वर्स्ट ऑफ द टाइम. क्यों डिफरेंस है वहां से लेकर यहां तक, ये जानने का जरूरत है आज. लाइफ इज सीरियस माई डिफरेंट, फ्यूचर इज सीरियस. किसी ने मुझसे पूछा कि व्हाट इज अ गुड डिस्क्रिप्शन ऑफ लाइफ, तो आंसर ये था, लाइफ इज अ स्ट्रगल टू कीप डेथ एट अ रिस्पेक्टेबल डिस्टेंस. लाइफ एक स्ट्रगल है डेथ को एक डिस्टेंस तक बना के रखने के लिए. और अगर मैं शब्द यूज करता हूं सीरियसली तो लोग मुझे बोलते हैं यस, हम लोग सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं बिजनेस को. दोस्तों सीरियसनेस क्या होती है, मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूं. भगवान ना करे कभी आपको जाने का मौका मिले, कभी आप आईसीयू जाइए, भगवान ना करे आप कभी गए हो ना कभी आप जाएं, आप आईसीयू में किसी वेंटिलेटर के पेशेंट को देखिए, बोलते हैं सीरियस कंडीशन है. ऐसा बोलते हैं ना, ये शब्द यूज होता है ना, सीरियस कंडीशन. सीरियस कंडीशन का मतलब जानते हैं क्या है? सीरियस कंडीशन का मतलब यह है कि 6 डॉक्टर्स 8 नर्स की टीम माइनर से माइनर चीज को मॉनिटर करती है. माइनर से माइनर चीज मॉनिटर होती है. हर आधे घंटे के अंदर बीपी मॉनिटर होता है, हर आधे घंटे के अंदर उसका शुगर लेवल चेक होता होगा, हर आधे घंटे. आई एम नॉट अ डॉक्टर लेकिन मैं समझ सकता हूं कि जब आईसीयू में पेशेंट है और अगर वो वेंटिलेटर के ऊपर है तो हर 15 मिनट के बाद वो दुनिया भर की तारें लगा के, दुनिया भर की मशीन लगी हैं जो उसको मॉनिटर कर रही हैं कि कुछ ऊपर हो रहा है, कुछ नीचे हो रहा है, कुछ फर्क पड़ रहा है कि नहीं पड़ रहा, कुछ डोज बढ़ाने से कुछ क्या इंपैक्ट हो रहा है. मतलब वो पूरा का पूरा टीम अगर वो 7 दिन 8 दिन 10 दिन 20 दिन आईसीयू में है और 8 दिन 20 दिन 40 दिन वो वेंटिलेटर पे है, तो वो 10 दिन 15 दिन लोगों का टीम वो सीरियसली उसको मॉनिटर करता है कि कुछ भी हल्का इधर हुआ तो मामला गड़बड़ भी हो सकता है और कुछ चीजें ठीक करने से आदमी ठीक हो जाता है. तो मैं कहता हूं सीरियसनेस इसको बोलते हैं. क्या इतनी ही सीरियसनेस के साथ आप अपने बिजनेस को मॉनिटर करते हैं? सीरियस तो इसी को बोलते हैं ना यार, कि आप एक एक माइनर चीज को मॉनिटर कर रहे हैं. तो आपने बोला हम लोग सीरियसली बिल्ड कर रहे हैं. नहीं सर, आप सीरियसली बिल्ड नहीं कर रहे, आप सीरियसली बिल्ड करते हो दिख रहे हैं बस. आप जर्नल वर्ल्ड के पेशेंट हैं. जर्नल वर्ल्ड के पेशेंट देखते हैं ना, वो एक ही वार्ड में 30 पड़े हैं. मैं अदरवाइज मत लीजिएगा मेरी बात को, मैं उनका भी रिगार्ड करता हूं. लेकिन सीरियस पेशेंट क्या होता है, जब कुछ लोग उसको पर्पस दिन हर घंटा हर घड़ी उसको क्या कर रहे हैं? आप अपने बिजनेस को क्या हर घड़ी मॉनिटर करते हैं? तो जवाब आएगा हर घड़ी. सर हम तो मॉनिटरी तब करते हैं जब पैसा आना बंद हो जाता है. सर ये बाकी बिजनेस की तरह ही एक बिजनेस है जिसको नेटवर्क मार्केटिंग बोलते हैं. मैं आपको एग्जांपल देता हूं. किसी व्यक्ति ने कपड़े का दुकान खोला, मेरा साथ दीजिएगा अगले 2 मिनट. किसी व्यक्ति ने क्या खोला? कपड़े का दुकान खोला, ठीक है ना? तो वो कपड़े की दुकान खोलने के बाद सुबह 9 बजे ठीक दुकान खोल लेता है मॉर्निंग में, है ना? चाहे उसने 25 लाख रुपए लगा के खोला या 25 करोड़ रुपए लगा के खोला, सुबह 9 बजे ईमानदारी से वो तैयार होके अपना ब्रेकफास्ट करके अपना लंच पैक करा के अपने ठिए पे चला जाता है. क्या मैं ठीक कह रहा हूं? है ना? और ईमानदारी के साथ पूरा दिन उस ठिए पे अपने बिजनेस को बढ़ाने के बारे में सोचता है, कस्टमर को प्रॉपरली हैंडल करता है ना, पेपर पे नोट करता है कि क्या
सामान बिका, क्या सामान नहीं बिका, कौन सा स्टॉक बढ़िया बिक रहा है, कौन सा स्टॉक खत्म हो रहा है जिसको चेंज करने का जरूरत है, वो पूरी ईमानदारी के साथ पूरे महीने पूरे 365 दिन उस बिजनेस को मॉनिटर करता है, सीरियसली बिजनेस करता है। मैं ठीक कह रहा हूं? लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग में वो सीरियसनेस मुझे देखने में कभी कभी नहीं मिलती, तो तकलीफ होती है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग को लोगों ने कैजुअल बिजनेस बना दिया। ये बिजनेस कैजुअल नहीं है जहां पर एक आदमी 3 करोड़ रुपए साल के बना सकता है, ये कैजुअल नहीं है, लेकिन कैजुअल अप्रोच के साथ लोगों का बिजनेस कैजुअलिटी में चला गया। मेरी बात आप समझ रहे हैं? कैजुअल क्यों लगता है? क्योंकि लगा ही कुछ नहीं है भाई। आपने ट्राइपॉड लगाया तो 50,000 रुपए लगा दिए होंगे, बहुत ज्यादा नहीं लगाया। सिंगल आईडी से आए गरीब टाइप तो 8,000 रुपए में आ गए, है ना? मतलब अगर आप 8,000 में आए तो आप कस्टमर ही हैं। अगर आप ट्राइपॉड के साथ आए तब लगता है कि बिजनेसमैन है आदमी। 8,000 का मतलब तो ट्राई करने आया है, और अगर आप बोले कि पैसा नहीं था इसलिए 8,000 रुपए लगाए तो सफेद झूठ है। ऐसी ऐसी जगह तुम लोगों ने पैसे लगाए मैं कैमरे पर बता नहीं सकता हूं तुमको, बोलूंगा तो गड़बड़ हो जाएगी। पैसे नहीं है ऐसा नहीं है, कुछ लोग एक्सपेरिमेंट करने आए हैं इस बिजनेस के अंदर, है ना? वो कहते हैं पहले एक से करके देख लें, फिर हो जाएगा तो दो और लगा लेंगे, बड़ा भारी एहसान होगा हम पे कि तुम दो और लगा लोगे। तो वो सीरियसनेस जो वो दुकानदार वाला दुकानदार व्यक्ति दिखाता है ना, वो सीरियसनेस इस धंधे में मुझे नजर नहीं आती। ऐसा नहीं बोलूंगा, दूर दूर तक कोसों। मैं एक छोटी सी केस स्टडी लाया हूं आज आपके लिए, सीरियसनेस किसको बोलते हैं, सुनना पसंद करेंगे? छोटी सी केस स्टडी है आज आपके लिए, और आपको मजा आएगा कि सीरियसनेस जब आदमी जब सीरियस होता है ना तो अपने काम को करता कैसे है। जब आदमी सीरियसली काम करता है तो वो सीरियसनेस का पैमाना क्या होता है और उसका रिजल्ट क्या आता है, वो भी बात करते हैं। मेरे साथ रहिएगा अगले 1 या 2 मिनट, मैं आपको कुछ बताने वाला हूं, पढ़ के बताऊंगा और आप अंदाज लगाइएगा कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूं। मैं स्पेशल लिख के लाया हूं आपके लिए स्पेशली कि सीरियस जब लोग होते हैं तो सीरियस बिल्ड कैसे होता है बिजनेस। सीरियस की परिभाषा मैं आपको पढ़ रहा हूं। आपने मूवी देखी होगी जिसका नाम था मुगले आजम, देखा है आपने? सीरियसनेस किसको बोलते हैं मैं बताता हूं। जब आदमी सीरियस होता है ना तो बिजनेस को किस लेवल पर बिल्ड करता है या काम को किस लेवल पर बिल्ड करता है। ट्रेलर्स फ्रॉम दिल्ली टू स्विच द कॉस्ट्यूम्स, दिल्ली से दर्जी बुलाए गए कॉस्ट्यूम सिलने के लिए, मुंबई में फिल्म बन रही है सर। स्पेशलिस्ट फ्रॉम सूरत वर एम्प्लॉयड फॉर द एम्ब्रॉयडरी, सूरत से स्पेशलिस्ट बुलाए गए एम्ब्रॉयडरी करने के लिए। मुंबई में एम्ब्रॉयडरी वाले लोग होंगे ऐसा नहीं ना, होंगे तो वहां भी। कहां से बुलाए गए? सूरत से, क्योंकि कहते हैं कि बेस्ट के साथ कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा, जो बेस्ट है वो चाहिए किसी कीमत किसी हालत, है ना? तो टेलर्स फ्रॉम दिल्ली टू स्टिच द कॉस्ट्यूम्स, स्पेशलिस्ट फ्रॉम सूरत वर एम्प्लॉयड फॉर द एम्ब्रॉयडरी, हैदराबाद गोल्डस्मिथ्स मेड द ज्वेलरी, ज्वेलरी बनाने के लिए हैदराबाद के सुनारों को बुलाया गया। माय डियर फ्रेंड्स, कोल्हापुर क्राफ्टमैन डिजाइन द क्राउन्स, जो क्राउन पहने उन पूरे के पूरे लोगों ने कोल्हापुर से लोग बुलाया गया कि तुम डिजाइन करो यार। राजस्थान आयरन स्मिथ्स क्राफ्टेड द वेपन्स, राजस्थान से लोहार बुलाए गए वेपन्स बनाने के लिए। पूरे देश को इकट्ठा किया के आसिफ ने, क्योंकि इसको बोलते हैं सीरियस प्रोजेक्ट। माय डियर फ्रेंड्स, अकबर पृथ्वीराज कपूर टुक 19 शॉट्स टू गोट 1 सीन ओके, 19 शॉट देने के बाद पहला सीन ओके किया के आसिफ ने, और के आसिफ ने पृथ्वीराज कपूर को बोला तुझको अपना वजन बढ़ाना पड़ेगा। बहुत बड़े आर्टिस्ट थे उस जमाने में पृथ्वीराज कपूर, उसको बोला तू अगर वजन नहीं बढ़ाएगा तो रोल से हाथ धो देगा, ये रोल तुझे नहीं मिलेगा, इंक्रीज योर वेट, क्योंकि मुझे अकबर चाहिए वैसा। इसको बोलते हैं सीरियसनेस। माय डियर फ्रेंड्स, स्टार्टेड इन 1944 रिलीज इन 1960, 16 बरस एक प्रोजेक्ट को दिए एक आदमी ने, पता नहीं था चलेगा कि नहीं चलेगा, 16 साल। और सीरियसनेस की इंतहा यहां खत्म नहीं होती, मैं आपको बताना चाहूंगा। कॉस्ट ऑफ वन सॉन्ग प्यार किया तो डरना क्या वॉज रिपोर्टेडली मोर देन द एंटायर ऑफ अदर फिल्म्स दैट वर मेड एट दैट टाइम, एक गाने को शूट करने का पैसा उतना लगा जितना उतने में पूरी फिल्म बन जाती थी। सीरियसनेस, प्यार किया तो डरना क्या वॉज फिल्म इन ट्राई कलर, क्या सब पूरी पिक्चर ट्राई कलर में बनाना चाहते थे लेकिन प्रोड्यूसर ने हाथ खींच दिया तो उसने वैसे रिलीज कर दी। माय डियर फ्रेंड्स,
The song shot at Shish Mahal cost 10 million rupees that time. Seriousness. Rewritten 101 times by Shakil Badayun. 101 baar Naushad ne likhwaya wo gana. Shakil Badayun li gana likh ke late, Naushad bolte maza nahi aaya, dobara likh ke lao. Shakil Badayun dobara likh ke late, bola abhi maza nahi aaya. To Naushad ne 101 baar gana likhwane ke baad finalize kiya, pyar kiya to main bolta hu seriousness. 101 baar jab unke haath mein wo script aayi jis pe gana likha hua tha, usne bola yes, ab ye wo hai jo main chahta tha. उसने बोला बस कर मेरे बाप. उसने बोला बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज के आसिफ नहीं कर रहा, मैं भी करूंगा नहीं. मैं बताना चाहूंगा आइकनिक बैटल बिटवीन सलीम एंड अकबर टू द फिल्म. 2000 कैमल्स वर यूज्ड, 4000 हॉर्सेस, 8000 ट्रूप्स एंड सम सोल्जर्स फ्रॉम इंडियन आर्मी वॉज बोरोड. सीरियसनेस, बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज नहीं करूंगा. लॉर्ड कृष्णा स्टैचू, वो जोधा भाई कृष्ण जी का झूला झूला रही है इन द फिल्म, वॉज मेड ऑफ प्योर गोल्ड. की फीलिंग नहीं आएगा अगर सोने का दिखाएंगे और होगा नहीं, फील नहीं आएगा. और मैं आपको बताना चाहूंगा शूटिंग के बाद जब वो स्टैचू को के आसिफ ने बोला इसको पिघला देते हैं, है ना, सोना पिघला देते हैं और पैसा वापस हो जाएगा. आज हिंदू मुसलमान लोग करते हैं. नौशाद साहब ने बोला नहीं नहीं, इसको मैं अपने घर ले जाऊंगा. और नौशाद साहब वो गोल्ड का कृष्णा जी, नौशाद साहब मुस्लिम थे और वो गोल्ड का कृष्ण भगवान को अपने घर ले गए और जिंदगी के आखिरी मोमेंट तक अपने घर में झूला झुलाया. इन्हें पिघलाना नहीं है. माय डियर फ्रेंड्स, देयर वाज अ सॉन्ग इन अ मूवी है मोहब्बत जिंदाबाद. अगर आप कभी ध्यान से सुने तो उसमें गाना आया मोहब्बत जिंदाबाद. 1000 कोरस सिंगर से गावाया गया ताकि इको क्रिएट हो. 1000 कोरस सिंगर इकट्ठे होकर गा रहे हैं, टेक्नोलॉजी नहीं था तब. 1000 कोरस सिंगर के आगे माइक रखा गया और 1000 कोरस सिंगर ने वो गाना ताकि वो इको क्रिएट हो. इसको बोलते हैं सीरियसली. माय डियर फ्रेंड्स, शीश महल टुक 2 ईयर्स टू बिल्ड. ग्लास इंपोर्टेड फ्रॉम बेल्जियम. मराठा मंदिर में मूवी रिलीज हुआ 1960 में. 1100 का कैपेसिटी था मराठा मंदिर का और जिस दिन मूवी रिलीज हुआ 1 लाख लोग वहां इकट्ठा थे. और जो मूवी का प्रिंट था वो 4 हाथियों के ऊपर रख के लाया गया फील क्रिएट करने के लिए. माय डियर फ्रेंड्स, के आसिफ वॉज इन ह्यूज डेप्ट. जो डायरेक्टर थे, इवन पान और सिगरेट भी उधार खरीदना पड़ता था, पैसा नहीं था. मधुबालों को जंजीरें जो पहनाई जाती थी वो ओरिजिनल पहनाई जाती थी ताकि उसके चेहरे पे वो दर्द निकल के आए. बोलता हूं मैं इसको सीरियसनेस. आर यू बिल्डिंग योर सीरियस बिजनेस? आर यू बिल्डिंग योर बिजनेस सीरियसली? लेकिन जब ऐसा होता है ना तो फिर 16 साल के बाद धमाका होता है. इसका जो रिजल्ट होता है ना वो बहुत शानदार होता है. कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करता आदमी यार. जब आदमी बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज ना करे, मॉनिटर करे छोटी से छोटी चीज को, 16 साल एक प्रोजेक्ट को दे दे आदमी, जुनून ही हो सकता है वो यार. वो पैसा उसके दिमाग में, मस्तिष्क में होता नहीं है. उसके दिमाग में होता है कुछ ऐसा करना है जो आज तक कभी किसी ने ना किया हो. मैं लास्ट ट्रेनिंग में भी स्टोरी सुना रहा था. ये बात मुझे इसलिए इंस्पायर करती है कि किसी आदमी का कितना बड़ा विजन हो सकता है. आज से 1944 में क्या टेक्नोलॉजी होता होगा यार. 1944 में क्या रिसोर्सेज होते होंगे दोस्तों. आप सोचिए, अभी तो आजाद भी नहीं हुए अपन. अंग्रेजों का राज होगा तब ना. क्या रिसोर्सेज होंगे, क्या पैसा होगा, क्या धन होगा, क्या दिमाग होगा. लेकिन विजन देखो कितना बड़ा होगा कि एक दिन पर्दे पे मैं वो पूरी गाथा ऐसे गाऊंगा कि लोगों को सच लगेगा. लोगों को लगता आज सच हुआ होगा कभी. मैं उस दिन भी इंसिडेंस किसी को शेयर कर रहा था कि सीरियसनेस किसको बोलते हैं. तो एक बीच में एक गाना है जिसमें सलीम और अनारकली मिल रहे हैं तो पीछे तानसेन गा रहे हैं ना, बड़ा फेमस इंसिडेंस है. तो क्या आसिफ ने बोला नौशाद साहब से, नौशाद साहब तानसेन जैसा गाय ऐसा कौन है अभी इंडस्ट्री के अंदर. तो नौशाद साहब ने बोला वो बड़े गुलाम अली गान खाते हैं लेकिन वो फिल्मों के लिए तो गाते नहीं है. तो क्या आसिफ ने बोला बेस्ट से कॉम्प्रोमाइज तो करना नहीं है, गाना तो उन्हीं से गवाना है. तो
लखनऊ में रहते थे बोला उस जमाने में, तो उन्होंने बोला आप मुझे ले चलो बस खाली। तो ले गए नौशाद साहब उसको कि तो पागल आदमी है, मान तो रहा नहीं है तो चल। तो जब पहुंचे तो नौशाद साहब ने इंट्रोड्यूस कराया कि ये क्या सिर्फ मुगले आजम फिल्म बना रहा है, जिद पकड़ के बैठा है कि गाना आपसे गवाना है फिल्म के अंदर। तो बोले तुझे पता है कि मैं फिल्मों के लिए गाना नहीं गाता। तो मुझे, मैं वो आर्टिकल पढ़ रहा था नौशाद साहब का कि क्या सिर्फ सिगार पीते थे और सिगार का कश मारे गाना तो आप ही गाएंगे। बड़े गुलाम अली खान साहब उस जमाने में बहुत बड़े सिंगर होते थे, उसने बोला मैं फिल्मों के लिए गाना नहीं गाता, मैं तेरे को दोबारा बोल रहा हूं, तो कश एक और मारा गाना तो आप ही गाएंगे। तो क्या सिर्फ ने को गुलाम अली साहब ने नौशाद साहब को बोला मैं अभी इसको इसका भरम दूर कर देता हूं, अंदर आओ अंदर आओ। तो क्या सिर्फ को अंदर लगे, कुर्ता पहनता था वो, तो उसने बोला गाना गवाएगा, बोला गाना तो आप ही गाएंगे, बोला 50,000 रुपए लूंगा इन 1944। 300 रुपए महीना मिलता था एक गायक को, जितने मर्जी गवा लो। He asked for 50,000 rupees for one song। तो क्या सिर्फ कुर्ता पहनते थे, जेब में हाथ डाला, 10,000 का पैकेट निकाला, टेबल पे रखा, गाना तो आप ही गाएंगे। अभी मैं कभी कभी सोचता हूं यार, यहां तो ट्रेनिंग होता है ना, तो बोलते खाना मिलेगा, नाश्ता मिलेगा सुबह, अच्छा शाम को जब जाएंगे तो कुछ खिलाएंगे। मेरी बात को समझने का कोशिश करिए सर, जब आदमी डूब के किसी भी काम को करता है तो उसके लिए पैसा इमेटेरियल हो जाता है यार, इमेटेरियल होता है। कल आपके लिए ट्रेनिंग अनाउंस हो कि यहां होगी इतना कॉस्ट, आप बोलेंगे विल डू इट यार, सीखने का कोई पैसा ही नहीं होता, सीखना फ्री होता है हमेशा यार। मैं आपको फिर बताना चाहता हूं, लर्निंग बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, बहुत सारे लोग करते नहीं है। छोटा सा उदाहरण दूंगा आपको काम आएगा, आपके पास इंश्योरेंस पॉलिसी है ये सुनो, जोर से बोलो यार हाँ के लिए। कुछ लोगों ने ट्रेडिशनल प्लान ले रखे होंगे, ट्रेडिशनल प्लान समझते हैं 20 साल तक का प्रीमियम है ना, कुछ लोग इंश्योरेंस एजेंट भी होंगे यहां पे हमारे दोस्त भाई। एक छोटी सी बात समझने का कोशिश करो, आपने हर महीना इंश्योरेंस प्रीमियम दिया राइट, क्वार्टरली दिया होगा या हाफ ईयरली दिया होगा या ईयरली दिया होगा मान लेते हैं, और 20 साल तक दिया, 20 साल के बाद क्या होगा जानते हैं, आपको पॉलिसी का पैसा मिलेगा ठीक है, और बीच में निकल लिए तो क्लेम मिलेगा। उस पैसे को महीना दो महीना छह साल दो साल आप यूज करोगे, आपका परिवार यूज करेगा, यही है बस, है ना। अब मैं आपको छोटा सा इंस्ट्रक्शन देता हूं यार, आप हर महीने प्रीमियम देते हो ना, तो हर महीने अगर आप एक किताब पढ़ लो फॉर एन एग्जाम्पल, ये प्रीमियम है लाइफ का, और वो किताब पढ़ो 20 बरस तक, आप जानते हो 20 साल के बाद जो मिलेगा वो इतना होगा कि आपकी आने वाली जनरेशन संभाल नहीं सकेंगी उसको। अगर आप एक बुक का प्रीमियम, भाई हर महीने प्रीमियम देते हैं ना यार, हर 3 महीने के बाद हर क्वार्टर के बाद एक प्रीमियम लेने ले जाने वाला आदमी आ जाता है ना आपके पास, देते हैं कि नहीं देते, और मिलेगा क्या 18-20 बरस के बाद 10 लाख 15 लाख 20 लाख 25 लाख 30 लाख, जय माता दी, छुट्टी हो जाएगी, वो भी खा पी के निपट जाएगा। लेकिन अगर आप अपने आप को एक प्रीमियम दो एक बुक का हर महीने हर क्वार्टर हर ईयर हर मंथ, और वो 12 साल 20 साल 30 साल तक दो, तो 30 साल के बाद मैच्योरिटी में जो आपको मिलने वाला है उससे सिर्फ आप फायदा नहीं लेते, आपकी रेडियस के 100-200 किलोमीटर में जो आता है ना वो बेनिफिशियरी होता है यार उसमें, मतलब आप सबको प्रभावित कर पाते हैं ना।